हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की ओर से करनाल के एक निजी बैंकेट हॉल में प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर द्वारा भाग लिया गया और अपनी समस्याएं साझा की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि उनकी दो मांगे हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं, परंतु सरकार उनको लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के समान डॉक्टरों को सुविधा दे ताकि वह बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे सके। उन्होंने कहा कि करनाल जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी 3 CSC में डॉक्टरों की कमी है, उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, यूपी, पंजाब के समान चिकित्सकों को अलग से पैकेज दिया जाए ताकि वह और ज्यादा मेहनत कर सके। बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि सरकार द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के लिए डॉक्टर रखे गए हैं, उनकी बजाय पहले से कार्य कर रहे कार्यरत डॉक्टर को उनके समान वेतन दिया जाए ताकि वह दिल लगाकर काम करे, क्योंकि जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा वह सिर्फ 6 घंटे काम करेगा और बाद में अपने हॉस्पिटल में मरीज शिफ्ट करेगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा नॉन मेडिकल स्टाफ MBBS डॉक्टरों की चेकिंग के लिए लगाया गया है, जो कि गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ना तो डॉक्टर की पर्ची पढ़नी आती है और ना ही वह बेहतर कार्य कर पाएंगे, इसलिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति को ही चेकिंग के लिए लगाया जाए। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई ताकि ज्यादा डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 2000 डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, जबकि जरूरत के अनुसार 6000 डॉक्टर होने चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से सरकार को चेताया गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में वह कड़ा रुख अपनाएंगे और धरने प्रदर्शन से भी परहेज नहीं रखेंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश से आए सरकारी हॉस्पिटल में कार्य करने वाले डॉक्टर भी बैठक में शामिल हुए। आज की मीटिंग का पर्पज है कि हमारी 2 डिमांड्स पेंडिंग है CM लेवल पर, जो कि ACS और हेल्थ मिनिस्टर से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। वो पिछले दिसंबर से CM सेल में है और उनके बार बार मिलने के बावजूद CM साहब से HM साहब से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा और सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सभी 22 डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है और सभी लोगों में भारी रोष है, क्योंकि आपको पता कि डॉक्टर्स की भारी कमी है। ये हरियाणा सरकार भी मानती है। इवन CM साहब के जिले में भी 3 CSC जहाँ पे कोई भी डॉक्टर कार्यरत नहीं है, तो ये आप लोगों से छुपानी है। भाई जहाँ पे डॉक्टर 2000 काम कर रहे हैं वहाँ 6000 डॉक्टर कम से कम चाहिए, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन भी करीब हमारे बराबर है। वहाँ पर 4500 डॉक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी वहाँ कमी है और हमारे तो काम ही 2000 लोग कर रहे हैं। तो उसी को लेकर रोज है। इसमें 2 डिमांड्स हमारी ये है कि सेंटर के अकॉर्डिंग जो 4, 9, 13, 20 KCP है, जो कि हमारे सराउंडिंग स्टेट्स बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में और दिल्ली में ऑलरेडी वो दे चुके हैं, जबकि हमारा हरियाणा तो उनसे काफ़ी आगे तक भी हर हेल्थ के फील्ड में भी डेवलपमेंट वाइज भी अभी फर्स्ट आया, जो कि इंडिया का सर्वे हुआ था, उसमें मंत्री जी ने माना था कि भी ये सब कुछ हमारे डॉक्टर्स की वजह से हुआ है। तो मंत्री जी को और CM साहब को डॉक्टर्स की डिमांड पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी 5, 10 और 15 की अब 3 ACP अभी हैं 8%, और साथ ही साथ जो कमी है वो विशेषज्ञ चिकित्सकों की काफ़ी कमी है, उसके लिए स्पेशलिस्ट अलाउंस सरकार मान चुकी है। 2 साल पहले हमारी मीटिंग हुई थी, HM साहब ने सैंक्शन किया था कि भी उनको अलग से पैकेज दिया जाएगा, या फिर पंजाब के बराबर जो 5 इंक्रीमेंट्स एडवांस इंक्रीमेंट उनको मिलती हैं, जो कि हर पे कमीशन में रिवाइज होती हैं, वो दी जाए ताकि डॉक्टर्स की कमी पूरी हो और लोग पूरा जोश आवाज में अपना पूरा काम करें, लोगों की सेवा करें। साथ ही साथ सरकार बजाय कि परमानेंट डॉक्टर्स का कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर लाने की तैयारी में है। वो कहते हैं कि भी MBBS को 1 लाख रुपये और स्पेशलिस्ट उनको 1,25,000 रुपये देंगे। जब वो 1,25,000 रुपये उनको अलग से अलाउंस दे सकते हैं तो रेगुलर डॉक्टर को क्यों नहीं। वो डॉक्टर जो आएगा वो अपने केवल सेकंड डे काम करेगा, ना कोई मेडिकल लीगल करेगा, ना ही कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा। शाम को अपने मरीज देखेगा, यहाँ से मरीज शिफ्ट करेगा, उससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, गरीब लोगों को और मार पड़ेगी। इसलिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि भी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम बंद करो और जो सरकारी आपके परमानेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें या जो भी भत्ते मांग रहे हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि और लोग ज्वाइन करें और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो। तो मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा ACP स्ट्रक्चर है उसको सेंटर और सराउंडिंग स्टेट के बराबर किया जाए, जो 4, 5, 10, 15 है 4, 9, 13, 20 किया जाए और स्पेशलिस्ट को अलग से भत्ता या कोई इंक्रीमेंट दी जाए ताकि वो अपने काम करें। और साथ ही साथ सरकार ने एक और आदेश अभी अखबारों में चल रहा था मीडिया में कि भाई मंत्री जी ने कमेटी बनाई है कि तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर और अपना DSP डॉक्टर्स की पर्चियाँ जो लिखते हैं
जो प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ उनकी जांच करेंगी। आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वो उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, वो इसके काबिल ही नहीं है कि डॉक्टर की पर्ची को पढ़ पाएं और समझ पाएं कि डॉक्टर क्या लिख रहा है। बजाय इसके सरकार को चाहिए कि सारी दवाइयाँ उचित मात्रा में उपलब्ध कराएं, ताकि डॉक्टर दवाई बाहर की लिखे ही ना, जो कि दवाइयों की शॉर्टेज वेयर हाउसेज में बहुत ज़्यादा रहती है। एक दवाई आती है 5 दिन में खत्म होती है, तो ये भी आम जनता के साथ अन्याय है। बजाय ये हथकंडे अपनाने के सरकार दवाएं उपलब्ध करवाएं और जो डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार करना चाहते हैं उसको बंद करें, अदरवाइज सभी लोग इकट्ठे हैं। और आज ये डिसाइड हुआ कि 15 दिन का सरकार को टाइम दिया जा रहा है, एसोसिएशन देरी सबने मिलकर डिसाइड किया है, उसके बाद एसोसिएशन किसी भी हद तक किसी भी रास्ते पर जा सकती है, उसमें स्ट्राइक भी हो सकती है, उसमें पोस्टमार्टम भी बंद कर सकते हैं, उसमें और भी जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। ये सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आज मीडिया के माध्यम से, तो हमें लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। हम भी नहीं चाहते कि कोई मरीज और गरीब आदमी परेशान हो, हम लोगों की सेवा के लिए इसमें फील्ड में आए, अदरवाइज तो डॉक्टर्स पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं बाहर, वो लोग ही काम कर रहे हैं जो कि गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो भी छोड़ छोड़ कर भागे और लोग दर दर की ठोकरें खाए और सारा प्राइवेटाइजेशन करने की जा रही है गवर्नमेंट। भाई हमने डायलिसिस प्राइवेट को दे दिया, हमने जो कैथ लैब वो प्राइवेट को दे दी, तो इस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं चलता है। हेल्थ और शिक्षा दो ऐसे मुद्दे हैं सरकार के, राज्य सरकार के, जो कि उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की कमी बता रहे थे आप हरियाणा में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेडिकल ग्रेजुएट हमारे हरियाणा में अभी फिलहाल सिर्फ 2000 डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार और मेडिकल कॉलेज खोलेगी तो जितने ग्रेजुएट होंगे उतने नई नौकरियाँ लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमारे से सरकार से निवेदन है कि उसके लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलें, जो अंदर पाइपलाइन में है अभी जो खुलने वाले हैं उनको जल्दी खोलें, ताकि नए और ग्रेजुएट मिल सके जो कि नौकरी ज्वाइन करेंगे।